हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज दिन सैटरडे और सैटरडे का ये व्लॉग चल रहा है। मैं चली अपनी जुम्मा क्लासेस में और आज सैटरडे को ना सबकी क्लासेस होते हैं ना, वो एक ही बैच होता है, मतलब 7 बजे का बैच था। तो आज हम चले थे अपनी क्लासेस करने के लिए और यहाँ पे देखो स्टाइल मार रही हूँ मैं ज़रा फुल लगा के, क्योंकि आपने मेरे जितने भी व्लॉग देखे हैं अभी 4-5 दिन से, जब से मैं जुम्मा क्लासेस जा रही हूँ तब से मैं ऐसे ये फुल लगा के जाती हूँ मॉर्निंग में। मुझे इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और यहाँ पर मैंने घड़ी अपनी पहनी है, अभी दिखाती हूँ इसमें कैलरी मीटर आपको मैं, और कैलरी वगैरह कितनी गई है अभी। और यहाँ पे जब तक मैं खोल रही थी ना तब तक वो बंद हो जा रही थी। अभी 5 मिनट वेयर लगाए हुए तो वहाँ से यहाँ तक 7 कैलरी होगी। मौसम देखो आज का कितना सुहाना हो रहा है। ये फूल मैंने निकाल दिए, हाथ में ले लिए, और वो सामने उधर जहाँ पे पेड़ लगा हुआ उधर है हमारी क्लासेस। और ये पहुँच गए हम क्लासेस में आगे आते। हम इंतजार कर रहे हैं उन पलों का जब हम फिर से पहाड़ियों में जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे मैंने देखो भोले बाबा के लिए फूल वगैरह तोड़ लिए और आंवले के पत्ते। और यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ घर। घर आने के बाद सबसे पहले मैंने धोए पूजा के बर्तन, नहाने धोने के बाद कपड़े वगैरह। शायद आज शनिवार था तो मैंने धोए नहीं थे, पानी चले गया था इस टाइम तक जब तक मैं 8 बजे घर आई। और यहाँ पर मैंने फटाफट से बर्तन धोने के बाद पूजा के यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया। उसके बाद मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए, तब तक आटा वगैरह मेरा सेट हो जाएगा। और दाल वगैरह आज मैंने क्या बनाया था याद नहीं आ रहा मुझे, क्या बनाया था आज मैंने, तो शायद मैंने आज पराठे ही बनाए थे, तो पराठे ही खाए हमने आज। और दाल शायद बनी हुई थी तो वही मैंने दे दी थी पैक करके, या शायद मम्मी ने बनाया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा ढंग से। एक दिन का देखो, एक दिन का भूल गई मैं आपको बताना, वैसे मुझे याद रहता है। आज संडे है, संडे को व्लॉग में एडिट कर रही हूँ और मैं भूल चुकी हूँ कि सैटरडे को हमने मॉर्निंग में क्या खाया था। इतनी याददाश्त कमज़ोर हो गई मेरी। बादाम खाने पड़ेंगे मुझे अब। और यहाँ पे देखो आटा मैंने लगा के रख लिया है, भगवान जी के दर्शन आप भी कर लो। देखो जो भी मैं फूल वगैरह लाई थी ना तो मैंने चढ़ा दिए। और हाँ, जो भी हम मतलब पहला हमें सैलरी वगैरह मिलती है ना तो पहले सबसे पहले भगवान जी के आगे रख देते हैं हम, उसके बाद यूज़ करते हैं जो भी चीज़ होती है, जो भी कुछ लेना देना, कहीं राशन वाना देना है, क्लासेस में फ़ीस देनी है, कुछ भी मतलब एनीवे कुछ भी खर्चा करना हो तो पहले भगवान जी के आगे रखते हैं, उसके बाद खर्चा करते हैं। और यहाँ पे देखो हमारा नाश्ता वगैरह बन चुका है, ये पराठे हैं, सब्जी वगैरह। और दिन में शायद मैंने आज खाना खाया ही नहीं था, ये रात की सब्जी बची थी तो वो सुबह नाश्ते में खा ली थी, और पतिदेव ने कुछ और खा लिया था, शायद बाजार से ले ली थी सब्जी। और दिन में मैंने पॉपकॉर्न वगैरह ये सब खाया। और यहाँ चले हम मंदिर में, देखो ये पतिदेव बना रहे मेरी वीडियो। और पहुँच के मंदिर में पूजा वूजा करी, दिए वीरे जलाए, वो उधर मंदिर है, मंदिर के दर्शन हमने कर लिए। और ये मंदिर का सामान है पूजा का, तेल वगैरह और दिया वगैरह उसमें रखा था। तो वहाँ पे से हमने पपीता ले लिया है, पपीता लेने के बाद यहाँ पे मैं पी रूँ गन्ने का जूस, क्योंकि बाकी और चीज़ समोसा समोसा तो मैंने खाना नहीं था, क्योंकि पति देव तभी समोसा या गोलगप्पे ही खाएंगे, तो गोलगप्पे वाला आज मिला नहीं उनका जो रहता ही है। और यहाँ पे हमने बहुत सारी सब्जी ले ली थी, तो मेरे हाथ में दर्द हो रहा था तो पति देव ने ही पकड़ लिए कि मैं ही पकड़ लेता हूँ, कोई बात नहीं, तुम तकलीफ़ मत लो मेरे होते हुए, मैं पकड़ लेता हूँ तुम्हारी सेवा करने के लिए, मैं आज जरूर अभी। और ये यहाँ पे हो गया है हमारा पकोड़ा रेडी, और यहाँ पे ये खाएंगे पकोड़ा। और देखो कैसे खा रहे सब्जी के साथ साथ, सब्जी भी ले रही है हाथ में और पकोड़ा भी खाएंगे। बाय द वे मैंने ना ये सारी सब्जियाँ मैंने पकड़ ली थी, फिर उन्होंने आराम से खाया था। और उसका शूट मैं कैसे करती,
सब बोलेंगे कि मैंने पकड़ा, मैंने पकड़ा, ऐसा नहीं है, पर उन्होंने पकड़ा था और मैंने भी पकड़ा था। जब ये पकौड़ा खा लेंगे तो मैंने पकड़ा था तब तक। और फिर ये देखो चांद का व्यू यहाँ से कितना प्यारा दिख रहा है। वो आगे चल रहे हैं, उन्होंने खा लिया है, अब सब्जी लेके वो आगे चल रहे हैं। और देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है चांद का ना। अब मतलब कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा, पर उसमें बहुत अच्छा दिख रहा था। और घर आने के बाद ना मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्टी सी ये बनाई थी, दाल और चावल मस्त से। ये देखो दाल मैंने उबाली है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वाली दाल। यहाँ पे दाल का मसाला मैंने भून दिया है, दाल डाल दी है, उधर मैं चावल चढ़ा दूँगी साथ साथ। आज रात को मतलब सुबह मॉर्निंग मैंने बनाया था, पराठे बनाए थे और लेफ्ट ओवर रात की दाल, रात की सब्जी बनी थी न्यूट्रिएंट की, तो वही हमने खा ली थी नाश्ते में सुबह। और दिन में के लिए इन्होंने छोले ले लिए थे और रोटी ले लिए थे, तो फिर इसलिए दिन में मैंने कुछ बनाया नहीं। और शाम को यहाँ पे मैंने दाल चावल बनाया, बहुत टेस्टी था। उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने इनके लिए ना लच्छे वाले प्याज और टमाटर का प्याज और ये काट दिए, खीरा खीरा काट दिया। और यहाँ पे मैं नींबू पड़ा था तो नींबू निचोड़ दूँगी यहाँ टेस्टी सा। तो इसके बाद ना ये चाट सी बन जाएगी इसकी ना, मूली और टमाटर की, जो इनको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। दाल चावल के साथ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये, और या फिर अचार वगैरह हो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें मैंने थोड़ी सी मिर्च और नमक डाल दिया है, अगर काला नमक हो तो वो भी अच्छा है, और भुना हुआ जीरा डाल दोगे तो और सोने में सुहागा हो जाएगा इसमें। वैसे आप चाट मसाला भी डाल सकते हो उसमें, पर मैंने डाला नहीं था ज़्यादा, खजरोड़ नहीं करा मैंने, जो मेरा मन कर रहा था मैंने वो डाला। और यहाँ पर दाल पकची हुई है, उधर चावल में सीटी लग रही है। ये देखो खाना रेडी हो गया, यहाँ पर मैंने खा भी लिया है थोड़ा सा, और आराम से बैठ के हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं। पतिदेव जी वहाँ पे बैठे हैं, खाना खा रहे हैं आराम से। और टाइम हो रहा है अभी 10 बज रहे हैं, यहाँ पे हमारी मूवी भी चल रही है। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो भी न्यू है चैनल पे सब्सक्राइब करके जरूर जाए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।